नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। श्रेष्ठ भारत आपके लिए लेकर आया है फिट भारत प्रोग्राम, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको फिट रहना है, चाहे आप घर के अंदर हों या फिर जिम के अंदर। तो आज हम जिम के अंदर आ गए हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से अपने आप को फिट रख सकते हैं। बहुत आसान तरीका होगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने वेट को गेन कर सकते हैं, कैसे आप अपने वजन को घटा सकते हैं। आज घर बैठे यही जानकारी हम आपको देंगे फिट भारत प्रोग्राम के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त जिम के अंदर हम मौजूद हैं और जिनका जिम है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजन मान। राजन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर। क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी है कि लोग अपने आप को फिट नहीं रख पाते, फिर जिम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक शब्द है आलस जो आपको जिम नहीं जाने देता। तो अगर आप जिम पहुंच रहे हैं तो कौन कौन सी वो ऐसी एक्सरसाइज है जो नॉर्मल तरीके से रह के भी वो फिट रहा जा सकता है। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई जिम नहीं भी आ रहा है तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो घर में रह के भी वो फिट रह सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं बताऊंगा आपको कि जैसे कि घर में रह के आप अपना 50% होता है डाइट, आप अपने डाइट फॉलो करके भी अपने आप को फिट कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये चला तो राजन, सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिम में जो लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा वेट अपना घटाना चाहते हैं, उसके बाद हम वेट को बढ़ाने का भी तरीका आपसे समझेंगे, लेकिन वेट को आसानी से कैसे घटाएं, सबसे पहले वो वाली एक्सरसाइज हमें बताइएगा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये ट्रेडमिल, ठीक है, इस पर आप जॉगिंग करके, रनिंग करके अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसे स्पीड से आप बढ़ा सकते हैं। रनिंग करके दिखाइए सर, आप देखिए टाइम आता है इसमें, डिस्टेंस आता है और कैलरीज आती है, कितनी कैलरीज आपने बर्न की है, स्पीड आती है। तो राजन, ये जो एक्सरसाइज इस वक्त हो रही है, कितना दिन लग जाते हैं इसमें, क्योंकि नॉर्मल अगर कोई भी आ रहा है तो वो समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे मन में तो यही रहता है कि हम जिम फटाफट पहुंच जाए, हमारा वेट जल्दी से घट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 15 दिन, 16 दिन, 1 महीना, कितना टाइम? कम से कम 1-2 महीने जो है बिल्कुल प्रॉपर, अगर आप डाइट फॉलो करते हैं और प्रॉपर रेगुलर जिम आते हैं, ठीक है, तो आप 4-5 kg आराम से वेट लूज कर सकते हैं। हाँ, तो 4-5 किलो राजन बता रहे हैं कि इस एक्सरसाइज से आप वेट को कम कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप देखिएगा, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको बस ऐसे चलते रहना है। और अगर आप जिम आ रहे हैं तो सबसे पहली एक्सरसाइज आपकी यही होनी चाहिए अगर आप वेट को कम करना चाहते हैं। जिस तरीके से राजन ने बताया कि कम से कम आप 10-15 मिनट इस एक्सरसाइज को कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आराम करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपका पूरा वजन घट जाएगा। तकरीबन आपसे आपको 15-16 दिन लगेंगे और उसके बाद आपको कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी में कैसे वेट कम हो रहा है। और इस एक्सरसाइज को करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इसको नॉर्मल आप घर में भी कर सकते हैं। राजन, ये एक्सरसाइज जो जिम में कर रहे हैं क्या वो घर में भी किया जा सकता है आसानी से? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आप ये साइकिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये भी वेट लूज़ करने आए हैं अपना, तो वेट लूज़ कर रहे हैं, डेली 15-20 मिनट इन्हें खड़े होकर वर्कआउट करना पड़ता है। ठीक है, वो घर जाके डाइट लेनी पड़ती है। हाँ जी, तो आपने देखा किस तरीके से एक महिला भी हैं, वो भी एक्सरसाइज कर रही हैं, क्योंकि आजकल हर कोई अपना वेट लूज सबसे पहले करना चाहता है। साइकिलिंग आप कर सकते हैं, साइकिलिंग के ज़रिए भी आप अपने वज़न को घटा सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप साइकिलिंग करिए और उसके बाद अपने वेट को कम कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से राजन बता रहे हैं कि हाँ थोड़ा समय लगता है, लेकिन साइकिलिंग से सबसे जल्दी वेट कम होता है। और आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। आप जिम में सुबह सुबह आइए और कम से कम 10-15 मिनट भी अगर आप दे रहे हैं तो 10-15 मिनट के अंदर ही आपके इस एक्सरसाइज के ज़रिए वज़न आसानी से आप घटा पाएंगे। और भी एक्सरसाइज जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिट भारत प्रोग्राम के ज़रिए आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि जिम में आप पहुँचते हैं तो किस तरीके से आप अपने वज़न को घटा सकते हैं। तो वेट को घटाने की एक्सरसाइज हमने आपको बता दी है और आसानी से आप अपने वेट को घटा सकते हैं, लेकिन वेट को बढ़ाने के लिए भी कुछ लोग आते हैं और वेट कैसे बढ़ाया जाए उसका तरीका भी हम दरअसल राजन से जानने की कोशिश करेंगे। राजन, हमारे पास अलग अलग तरीके की मशीनें हैं अलग अलग बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है, जो कि मसल ट्रेनिंग करने आते हैं अपने। जैसे कि ये बटरफ्लाई है, ठीक है,
ये देखिए जैसे ये रेपोटेशन लगा रहे हैं ये सिर्फ चेस्ट पे काम करता है, ठीक है, ये इसे बटरफ्लाई कहते हैं। ये देखिए ये चेस्ट का वर्कआउट के लिए मेन। तो ये चेस्ट के वर्कआउट के लिए होती है, क्या ये वेट को गेन भी करती है? वेट गेन भी करती है और बॉडी शेप में भी लेके आती है। अच्छा, तो कितने दिन का प्रोसेस होता है कि अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज के जरिए? देखिए ये तो कई कई साल बंदे लगे होते हैं, ये तो अपने आप को फिट करने के लिए। हाँ जी, तो अगर कोई वेट गेन करना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे 2 से 3 महीने के अंदर मेरा वेट गेन हो जाए, कम से कम 3 महीने, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, 3 महीने कम से कम पूरी गाइडलाइंस के साथ चलना पड़ता है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है, क्योंकि नॉर्मल हम देखते हैं कि जिम में लोग आते हैं अपने डोलो शोलो को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये कंसल्ट्रेशन कर्ल कहते हैं इसे, इस एक्सरसाइज का नाम है कंसल्ट्रेशन, ठीक है, और ये बाइसेप्स का वर्कआउट है। तो ये भी वेट को बढ़ाने का काम करता है, मसल बढ़ाता है, साइज बढ़ाता है ये। तो ये जो सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं जिम के अंदर, मैंने भी देखा है, हम सब ने देखा है कि अपने डोले को बढ़ाने के लिए आते हैं, आजकल के यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि यूथ सबसे ज़्यादा अपने आप को फिट तो रखना चाहता है, लेकिन अपने आप को दिखाना भी चाहता है कि उसकी बॉडी कैसी हो, और इस चक्कर में कुछ गलत चीज़ें भी हो जाती हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना जिम जाओ, जिसे गेम नहीं करना है वो स्टेरॉइड की तरफ ना जाए, सप्लीमेंट की तरफ ना जाए, नेचुरल अपना गेन करे। नेचुरल बहुत सारी डाइटें हैं जो आप घर पे डाइट अच्छी लेके अपना बॉडी फिट रख सकते हैं, ठीक है। तो राजन, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अपने आप को फिट रखा जा सकता है, अब नॉर्मल अगर हम दिनों की बात करें, अभी एक्सरसाइज तो हम कर रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लेकिन डाइट क्या लें कि आपकी बॉडी परफेक्ट रहे? देखो, प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से और अपना डेली रूटीन के हिसाब से डाइट सबकी अलग होती है, ठीक है। हम बंदे से पूछते हैं कि भाई बॉडी में मतलब पूरे दिन में कितना रेस्ट है उनका, ठीक है, क्या वर्क प्रोसेस है, उस हिसाब से उनकी डाइट अलग अलग बना के देते हैं। वेट गेन की डाइट अलग होती है, मसल गेन की अलग होती है, और वेट लीन की अलग डाइट होती है। अच्छा, हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि अगर हम वेट को घटा रहे हैं तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं, क्या ये सही है? क्योंकि कई लोगों को जिम के अंदर भी हमने देखा है, बाहर भी देखा है, कि अगर वो वेट को कम कर रहे हैं तो उन्हें चक्कर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देते हैं। आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। नहीं नहीं, वेट लूज के लिए डाइट अलग होती है, ठीक है, उसमें भी हमें पर घंटे खाना होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना छोड़ दो तब तो कमजोरी आएगी आएगी, चक्कर आएंगी, वो आपका मसल लूज भी होगा और वेट गेन भी नहीं हो, वेट लीन भी नहीं होगा आपका। तो क्या नॉर्मल तरीका क्या है, क्या ले सकते हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताइएगा कि फल फ्रूट ऐसे कुछ डाइट? हाँ, फल मतलब आप मॉर्निंग में अच्छा हेल्थी फूड खाइए, उसके बाद ब्रेकफास्ट में रात का खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, खाना भी है तो 8 बजे से पहले आप खाइए, ठीक है, और सलाद सैलेड जो है, सैलेड और पानी, ये वाटर जो है बॉडी में, क्योंकि 75% वाटर होता है, ठीक है, ये हमें इनटेक करके चलना होता है। तो वज़न को घटाने के लिए हमने आपको बताया कि कौन सी आप डाइट लें, लेकिन अगर आपको वज़न को बढ़ाना है तो वो कौन सी एक्सरसाइज हो, कौन सी डाइट हो, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। राजन, वज़न को अगर हमें बढ़ाना है, क्योंकि हालांकि मैं भी पतला ही हूँ, फिट अपने आप को रखता हूँ, लेकिन अगर मुझे और वज़न को बढ़ाना है तो कौन सी एक्सरसाइज वो सबसे पहले करता हूँ? आपको वेट गेन के साथ हमें मसल ट्रेनिंग नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, इन्होंने 3 मंथ में अपना 15 kg वेट गेन किया विद मसल। तो ये कितना मतलब एक्सरसाइज करना, कितने सेट लगाने चाहिए? ये कम से कम 6 सेट लगाने चाहिए, 6 एक्सरसाइज करनी चाहिए, 6 एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाने चाहिए। अच्छा, तो कितना समय लगभग लग जाता है आपको अगर वेट गेन करना है? इनके लिए मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने बेस्ट रहते हैं, अच्छा एक वेट गेन मसल के साथ बढ़ाने। अच्छा, तो राजन, ये एक्सरसाइज तो हम नॉर्मली करते ही हैं जिम में, लेकिन अगर वेट को बढ़ाना हो तो उसके डाइट को भी हम आपको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई वेट को बढ़ा रहा है तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा केले दूध को लेता है, लेकिन और भी कई डाइट तो ऐसी हैं जिससे आप वेट को बढ़ा सकते हैं। देखो, दो तरीके के बंदे होते हैं, एक होता है वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन की डाइट अलग होती है, जैसे कि मीठा दलिया हो गया ब्रेकफास्ट में, मीठा दलिया हो गया, 3 टाइम शेक हो गया, ठीक है, कुछ सप्लीमेंट नेचुरल जो सप्लीमेंट है प्रोटीन गेनर ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी अगर नॉनवेज डाइट में जाता है बंदा तो एग हो गए, चिकन हो गए, ठीक है, इनसे वेट गेन किया जा सकता है अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए जहाँ तक बात करते हैं, आप कह रहे हैं वेजिटेरियन, अगर वेजिटेरियन से हम लोग बातचीत करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि वेजिटेरियन में ऐसी कौन सी चीज़ खाएं, क्योंकि नट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली शॉप में मिल जाती है। खजूर शेक पीजिए, ठीक है, और अपना बनाना लीजिए, अंडे लीजिए, अगर वेज में जाते हैं तो दलिया लीजिए, मीठा दलिया सबसे ज़्यादा वेट गेन करता है बॉडी को, आपको ब्रेकफास्ट में अगर आप 1 महीने रूटीन से मीठा दलिया लोगे
तो आपका वेट गेन मसल गेन अच्छा करेगा। अच्छा ये सवाल भी मैं आपसे यहीं ले लेता हूँ, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों के सीज़न में अपने आप को सभी फिट रख रहे हैं, चाहे फिर वो लड़के हों चाहे फिर लड़कियाँ हों। या हम देख रहे हैं कि लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, तो ये जो फिटनेस की दिमाग में जो बात आती है वो लोग सिर्फ 2-3 महीने करके छोड़ देते हैं या प्रोसेस आपका लंबा रहे? नहीं, प्रोसेस लंबा क्या, ये तो फिटनेस है, ये तो जिम है, इसको तो रूटीन में रखना चाहिए हमेशा, इंसान को कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जो बंदा मेडिकल में पैसे खर्च करता है, हॉस्पिटल में करता है, वो जिम आए कभी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना जिम भी खोला है, अच्छे अच्छे जगह ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन राजन ये बात भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि डेली आपको फिट रहना है, लेकिन अगर कोई जिम नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसके पास डंबल नहीं है, अब वो चाहता है कि मैं जिम जैसी एक्सरसाइज घर पे करूं, तो ऐसा कौन सा तरीका हो कि घर पे भी वो एक्सरसाइज, घर पे वो अपना वर्कआउट कर सकता है, नॉर्मल पुशअप सुबह मॉर्निंग में उठ के लगा सकता है, लेग वर्कआउट कर सकता है, स्क्वाट कर सकता है। ठीक है, हम वो एक्सरसाइज आपसे जानने की कोशिश करते हैं, राजन हमें बताएंगे वो एक्सरसाइज जो आप घर में रह के भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये राजन ये जो एक्सरसाइज है, क्योंकि जिम में कोई नहीं आता, वर्कआउट है। हाँ, ये होम वर्कआउट है। तो कितने सेट लगभग मारने चाहिए? तो मेरे ख्याल से 10-15 रेपिटेशन एक बार में। तो अगर हम घर में इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको कि आसानी से अगर इस एक्सरसाइज को करें तो फिट रह जा सकता है नॉर्मली? इसे और लेग वर्कआउट कर सकते हो आप, जैसे नॉर्मली ये स्क्वाट्स हो गए, ये इस सेट को कितना लगाना? 5 सेट आप घर पे करो, सुबह सुबह ये करो, चेस्ट करो, अच्छा रूटीन रखो अपना, अच्छी डाइट लो, अच्छा ब्रेकफास्ट लो। तो अगर आप जिम नहीं भी जा रहे हैं तो राजन से जो एक्सरसाइज हमने जानने की कोशिश की है कि आप आसानी से घर में उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कोई मशीन नहीं भी हो तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपने आप को फिट रखिए। अब राजन बात करते हैं, क्योंकि जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी वो कहीं ना कहीं मार देती है अगर हमारा पेट निकला, उस पेट को कैसे कम किया जाए कम दिनों में? मैं बताता हूँ, ये होम वर्कआउट है जी, जैसी ये है आप ये घर पे भी वर्कआउट कर सकते हो, एप्स का ऊपर इसके रेपिटेशन लगानी है 10-10 के 4, ठीक है, स्टॉप लेग रेस ऊपर, ये देखिए ये होम वर्कआउट है, घर पे वर्कआउट करके भी आप अपना पेट कम किया जाता है। तो ये नॉर्मली लड़के लड़की दोनों सेम वर्कआउट है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के लिए अलग है कुछ। तो इसके कम से कम 10-20 सेट से 20 सेट लगाने हैं इसके। और कितने दिनों तक लगभग इसका प्रोसेस? ये तो आप अगर घर पे होम वर्कआउट कर रहे हो तो रूटीन में रखो अपना, ब्रेकफास्ट से पहले सुबह उठने के बाद पेट वेट फ्रेश करने के बाद आप ये से लगा सकते हैं। मैंने जैसे आपसे बात की थी, शादियों का सीजन है, लोग पेट को ही कम करना चाहते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लेडीज हैं वो चाहती हैं कि उनका पेट कम हो जाए, तो घर में ऐसी कौन सी डाइट हो उसके लिए भी थोड़ा बताइएगा, सिर्फ पेट के लिए कि नॉर्मली पेट के लिए? मैं आपको पूरी डाइट बताता हूँ कि सुबह जैसे उठ के अपना फ्रेश होकर पेट की एक्सरसाइज कीजिए, लेग वर्कआउट कीजिए, उसके बाद अपना नमकीन दलिया, ओट्स ले लीजिए, पनीर ले सकते हैं, सैंडविच ले सकते हैं, उसके बाद दोपहर के टाइम अपना जो नॉर्मल रूटीन होता है 2 रोटी घर की, दही सलाद सब्जी, ठीक है, बस पानी अपना रूटीन में रखना है, शाम के टाइम 4 बजे पपीता ऐड करना है, 8 बजे से पहले आपको शाम का खाना खाना है, तो आपकी रूटीन जो है बढ़िया हो जाएगा 3 महीने में। राजन अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिम आकर तो हम फिट रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो यंगस्टर हैं कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं नॉर्मली कि जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी बन जाए, प्रोटीन हो गया या फिर एस्ट्रॉयड हो गया, ऐसी बहुत चीज़ें हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आप तकरीबन ये गलती तो ना करें ताकि आप अपने आप को सुरक्षित भी रख पाएँ। हाँ, आप जिम आ रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन कोई गलती ना हो। मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले बात तो स्टेरॉइड सप्लीमेंट की तरफ, तो आजकल के यंगेस्ट भाग रहे हैं, लड़के भाग रहे हैं, इन्हें इस तरफ जाना नहीं चाहिए, जिन्हें गेम नहीं करना है, जिन्हें गेम करना है, ठीक है, यंग उम्र के हैं, जॉब के लिए या प्रोफेशन है, तो अपना एक सेफ मतलब सेफ ट्रेनर के पास जाए जिसे नॉलेज हो इस चीज़ की, है ना। बाकी मैं अपने जिम में बिल्कुल अवॉइड करता हूँ इन चीज़ों को, मेरे जिम में आप देखो जितने भी लोग हैं ये सारे फिट होने आते हैं, हाँ, इनको ना तो मैं अपने सप्लीमेंट वगैरह रखता ना ही मैं सेल करता, ठीक है। लेकिन अगर कोई, क्योंकि राजन मैंने देखा है आपकी फ़ोटोज़ भी देखी हैं, आपकी वीडियोस भी देखी हैं, आप लोगों को तैयार भी करते हैं कंपटीशन के लिए, तो अगर कोई कंपटीशन के लिए जा रहा है तो कंपटीशन के लिए जाने में उसे कितना समय लगेगा और क्या वो तैयारी? कोई तैयारी तो काफ़ी सालों की मेहनत होती है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर किसी को कॉम्पिटिशन की तरफ जाना है, बिल्कुल परफेक्ट मतलब प्रॉपर डाइट लेगा, प्रॉपर रेस्ट होगा,
प्रॉपर सप्लीमेंट, मतलब एक ट्रेनर की निगरानी में, तो छः से सात महीने तक ये गेम खेला जा सकता है। जैसे कि ये मेरे मामा ही ने मैंने तैयार किया था, ये गेम करते हैं इनका पंजाब में जिम है। हाँ जी, अब एक और धारणा कहीं ना कहीं बनी हुई है कि अगर आपको वेट लूज करना है, कम करना है, तो आप मीठा छोड़ दीजिए। हाँ, ये क्या है? मीठा नहीं, मीठा अवॉइड करना चाहिए। मीठा मैं भी प्रोफेस नहीं करता कि हाँ मीठा बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो चीनी है, चीनी से सारा कुछ बन रहा है। गुड़ खाइए, मीठे में गुड़ खाइए, गुड़ कोई दिक्कत नहीं देता, नेचुरल जो चीज़ है वो खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो राजन बता रहे हैं कि कौन कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं। हाँ, अगर आप यंगस्टर हैं, आप अपनी बॉडी को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो कोई ऐसी गलती मत करिए जिससे आपको लेने के देने पड़ जाएँ। सबसे पहले आपकी सुरक्षा है, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, और उसके बाद आप कोई चीज़ करिए जो राजन आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो उम्र कोई भी हो, अपने आप को फिट आपको रखना है, और हम आपको वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आप कहीं पे भी रह के अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो राजन, अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, क्योंकि अगर महिला हैं घर में हैं, तो कौन सी एक्सरसाइज हो, या वो जिम आ रही हैं, तो कौन सी ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज है? कार्डियो सेक्शन बताता हूँ। देखो, जैसे ये है, ये वर्कआउट होम वर्कआउट है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं अपने वेट लूज करने के लिए। देखिए, तो कितने सेट लगभग इसके करें अगर कोई कर रहा है तो? इसके एक बार में कम से कम 50 रेपिटेशन करनी है, और 50-50 के 5 सेट करने होते हैं। हाँ, तो इसका असर क्या होता है? ये पूरा वेट लूज के लिए होता है, कार्डियो होता है। तो आप, ये फुल बॉडी वर्कआउट है, तो इसे मॉर्निंग में ही करना होता है या फिर? हाँ, मॉर्निंग में। हाँ, क्योंकि एम्प्टी स्टमक होता है, खाली पेट होता है, तो ज़्यादा बेनिफिट करता है। क्योंकि कुछ एक्सरसाइज राजन ऐसी है जो हम सुबह सवेरे ही कर सकते हैं, और सुबह सवेरे करने का फायदा क्या है वो भी हमारे दर्शकों को बताइएगा। सुबह इसलिए होता है क्योंकि वेट ट्रेनिंग, अगर हमने वेट लूज करना है, तो सुबह पूरी रात का फास्टिंग होती है। जैसे हम शुगर टेस्ट करते हैं ना, तो कहते हैं डॉक्टर की फास्टिंग चाहिए होती है, कम से कम 10-12 घंटे की फास्टिंग। तो ऐसी कार्डियो करने के लिए 10-12 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है हमें, तो रात को होती है। सुबह पेट खाली होता है, इसलिए ज़्यादा वर्कआउट जो है अच्छा बेटर हो पाता है। तो सुबह सवेरे की जब हम बात करते हैं, क्योंकि अगर सुबह आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हवा भी उतनी स्वच्छ होती है, और प्रकृति से लगाव भी होता है, और पहला दिन सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। पब्लिक तो है, लेकिन इस बात को बताइएगा, क्योंकि अगर कोई महिला है, एजेड है, क्योंकि उन्हें बीमारी है, अगर शुगर की वो पेशेंट है, बीपी की पेशेंट है, तो क्या नॉर्मली भी कोई एक्सरसाइज है कि वो नॉर्मल? उनको डाइट पहले फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, अपनी डाइट को फॉलो करें, अपने आप को ठीक करें। अगर ज़्यादा एज है, एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं कर पाते, तो डाइट से ही सब चीज़ हो सकती है, पॉसिबल। अब राजन, एक अहम सवाल मैं आपसे लेता हूँ, क्योंकि कई हमने जिम में देखा है कि एक्सरसाइज तो की जाती है, लेकिन उस तरीके से कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ट्रेनर की मदद नहीं लेता। तो ट्रेनर की मदद लेना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कई हार्ट अटैक के इशू भी हुए हैं। अगर जिम जा रहे हैं तो ट्रेनर की ही गाइडेंस में ही जिम जाए, ठीक है, उसके गाइडेंस में ही आप सब चीज़ें करें। कई होते हैं, इसमें देखो कोई शर्म वाली बात तो है नहीं कि अगर आप किसी के जिम में जा रहे हो, अगर उससे ट्रेनिंग ले रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा। कई अपने आप को यूट्यूब पे देख के या कुछ गलत सप्लीमेंट ले लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, हार्ट बीट तेज हो रही है, ठीक है, फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में हार्ट अटैक ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं। यानी ट्रेनर की आपको बिल्कुल मदद लेनी है, और अगर आप जिम आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी शर्माइए मत, पूछिए ट्रेनर से, बार बार पूछिए कि हाँ कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी है। फिट रखने का अपने आप को अगर आपको जुनून है, वो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले आपको सुरक्षित रहना है, और उसके बाद अपने आप को आपको फिट रखना है। तो फिट भारत प्रोग्राम के जरिए हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अपने आप को फिट रखिए, डाइट फॉलो करिए, चाहे घर में रहिए या फिर जिम आइए। अगर कोशिश तो करिए कि जिम ही आप आएँ, क्योंकि आलस को त्यागना है तो जिम आना पड़ेगा, और जिम आके आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने आप को आपको टाइम देना पड़ेगा। फिलहाल अपने आप को आप टाइम दीजिए, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को फिट रखिए। अगर आप फिट रहेंगे तो पूरा देश फिट रहेगा। फिलहाल राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा फिट भारत प्रोग्राम है, उसके ज़रिए हम लोगों को बताते हैं कि आप कैसे फिट रह पाएँ। फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, फिर हम बातचीत आपसे ज़रूर करेंगे।